दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से ऐसे जानवर हैं जो प्राकृतिक रूप से तेजी से शिकार करने के लिए पैदा हुए हैं, और जब बात जान पर बनी हो तो इनके शिकारी भी इनसे बचने के लिए ऐसी तेजी दिखाते हैं कि इनके शिकारी भी दंग रह जाएं। ये ऐसे जानवर हैं जो बड़ी आसानी से एक इंसान से आगे निकल सकते हैं, भले ही वो इंसान कार में क्यों ना बैठा हो। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे तेज तर्रार जानवरों से मिलाने वाला हूँ जो दुनिया में सबसे तेज माने जाते हैं, जिनकी रफ्तार देखकर आप हैरान हो जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 11, चीता। दोस्तों, चीता अफ्रीका और मध्य ईरान के मूल निवासी हैं और ये दुनिया के सबसे तेज जानवरों में से एक हैं। इनकी बनावट और विशेषताओं को देखकर ये कहना आसान है कि ये चीता सचमुच हवा से भी तेज दौड़ सकते हैं। इनके पास लंबी पतली और मजबूत टांगे होती हैं, साथ ही इनके पास लंबी पूंछ भी होती है जो इन्हें तेज रफ्तार से भागने में मदद करती है, जिसके कारण इसे धरती पर सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कहा जाता है। एक वयस्क चीते का वजन 21 से 72 किलोग्राम के बीच होता है, जिसकी ऊंचाई 90 सेंटीमीटर और लंबाई 1.5 मीटर तक होती है। ये चीता अफ्रीका में बड़े बिल्लियों के समूह का एक हिस्सा है। ये चीते बहुत ही तेज होते हैं, जिसके कारण ये बड़ी आसानी से अपना शिकार हासिल कर लेते हैं। ये चीते 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। ये चीते एक बड़ी बिल्ली है और ये आसानी से अपनी रफ्तार को हवा की रफ्तार में बदल सकते हैं। इन्हें हमेशा सक्रिय रहने के लिए बड़े पैमाने पर मांसाहारी आहार की जरूरत होती है, जिसमें एंटीलॉक, वर्थहॉग, खरगोश, पक्षी और छोटे वाइल्ड बीस्ट शामिल होते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ये चीते लंबे पतले पैरों और कम भारी शरीर वाले प्राणियों का एक सही मिश्रण है, जिसमें किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं है। नंबर 10, ऑस्ट्रिच। दोस्तों, शुतुरमुर्ग दुनिया के सबसे बड़े पक्षियों में से एक हैं। इसके अलावा ये सभी जीवित पक्षियों की सबसे ऊंची और सबसे भारी प्रजातियों में से एक हैं। ये शुतुरमुर्ग हमारे पंख वाले दोस्तों में सबसे आम हैं और लगभग 5 अलग अलग प्रजातियों में से एक हैं, जो दुनिया भर में अफ्रीका के मूल निवासी हैं। ये बड़े पक्षी खुली जगहों वाले क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं, जहाँ ये बाहर निकल सकते हैं और मीलों तक दौड़ सकते हैं। इस भारी पक्षी का वजन 120 किलोग्राम से अधिक होता है। शुक्र है कि ये उड़ने में सक्षम नहीं है। ये शुतुरमुर्ग जमीन पर जीवन के लिए अनुकूलित होते हैं और इनमें बहुत ही प्रभावशाली काबिलियत होती है। ये अपने लंबे पैरों और गर्दन के साथ 3 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं, और अगर बात करें इनकी तेजी की तो ये शुतुरमुर्ग 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपको बता दूं कि इस शुतुरमुर्ग को जानवरों की दुनिया में एक लंबी दूरी का धावक माना जाता है और ये पत्तों और बीजों के आहार पर अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। नंबर 9, जैक रैबिट। दोस्तों, ये जीव खरगोश के परिवार से संबंध रखता है, लेकिन इसके लंबे कानों के कारण इसके नाम में जैक जोड़ दिया गया है। आपको बता दूं कि इस खरगोश के कान बिल्कुल गधों के कान से मिलते जुलते हैं, जो इन्हें घने जंगलों में शिकारियों की आहट सुनने में मदद करते हैं। अगर बात करें इनकी तेजी की तो ये खरगोश 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं, जिनमें इनके पिछले पैर और मजबूत पंजे बहुत काम आते हैं। इनके पिछले पैर इन्हें तेज धावक और मजबूत पंजे शक्तिशाली जंपर बनाने में मदद करते हैं। ये खरगोश हवा की मदद से अपनी रफ्तार और छलांग को बढ़ाने में सक्षम है, जिसके कारण ये अपने शिकारियों को आसानी से धूल चटा सकते हैं। इस खरगोश का वजन 7 किलोग्राम तक हो सकता है और इसकी लंबाई 70 सेंटीमीटर तक बढ़ सकती है। ये खरगोश घास और पत्तियों के आहार पर अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। नंबर 8, ग्रे हुंड। दोस्तों, ये डॉग दुनिया के सबसे पसंदीदा पालतू जानवरों में से एक है। ये अपनी तेज गति और लचीलेपन के लिए जाने जाते हैं। अगर बात करें इस डॉग की तो ये यूनाइटेड किंगडम के मूल निवासी हैं, जहां इनका इस्तेमाल हर व्यापक तरीके से किया जाता है, खासकर इन विशेष खेलों के लिए, जिसका मतलब यही है कि ये डॉग बहुत ही तेज रफ्तार से दौड़ सकते हैं।
इस डॉग के पास लंबे शक्तिशाली पैर, गहरी छाती, लचीली रीढ़ और एक पतला शरीर होता है जो इन्हें हवा की तेजी से भागने में मदद करता है। जब ये दौड़ते हैं तो ये अपनी रीढ़ को ऊपर नीचे की ओर धकेलते रहते हैं, जिसके कारण इन्हें तेज रफ्तार पकड़ने में मदद मिलती है, जिसके बाद इनकी रफ्तार 65 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। अगर बात करें इनके जीवन काल की तो इनका जीवन काल 10 से 14 वर्षों का होता है। डॉग की ये नस्ल बहुत ही कोमल और बुद्धिमान होती है, जो अपने मालिक से प्यार और अपना ख्याल चाहती है। नंबर 7, लॉयन। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शेर जंगल का राजा होता है और ये अफ्रीका के सबसे ताकतवर जानवरों में से एक हैं, और शायद इसीलिए इन्हें भी सबसे तेज जानवरों में से एक माना जाता है। ये शेर ज्यादातर ग्रुप में शिकार करना पसंद करते हैं, लेकिन इतने ताकतवर होने के बावजूद आखिर ये ग्रुप में शिकार क्यों करते हैं? तो आपको बता दूं कि ये शेर तेज तो होते हैं, लेकिन इसके पास लंबे समय तक दौड़ने की सहन शक्ति नहीं होती, और यही वजह है कि ये ग्रुप में शिकार करना पसंद करते हैं। अगर बात करें इनके जीवन काल की तो ये शेर 14 साल तक जीवित रह सकते हैं और इनका वजन 190 किलोग्राम तक बढ़ सकता है। अब ये सुनकर आपको ये लग रहा होगा कि ये शेर बहुत ही भारी होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि इतने भारी शरीर को लेकर इन्हें दौड़ने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है, जिसके कारण ये 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच पाते हैं, लेकिन सिर्फ कम समय के लिए। और यही वजह है कि ये पहले अपने शिकार के पास पहुंचते हैं और बड़ी बुद्धिमानी से उस पर हमला कर देते हैं, जिसके कारण ये अपना चुना हुआ शिकार हासिल कर लेते हैं। नंबर 6, जैगुआर। दोस्तों, जैगुआर भी दुनिया के सबसे तेज जानवरों की सूची में शामिल है। ये जैगुआर मध्य और दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, हालांकि ये कभी कभी कहीं और भी पाए जाते हैं। ये जैगुआर पैंथर की प्रजाति से मिलते जुलते हैं और सबसे प्रसिद्ध बड़ी बिल्लियों में से एक है, जो कि अफ्रीका के बाहर रहते हैं, जिसका मतलब ये है कि जैगुआर की तुलना पृथ्वी पर पाए जाने वाले दूसरे बड़ी बिल्लियों से की जाती है, जैसे बाघ, शेर और तेंदुए। ये सभी बिल्लियों की प्रजातियां हैं जो कि पानी को नापसंद करते हैं, लेकिन जैगुआर इस नियम से काफी दूर है क्योंकि ये पानी से बहुत प्यार करता है और ये पानी के राजा का भी शिकार कर सकता है। अगर बात करें इसकी ऊंचाई की तो ये 76 सेंटीमीटर और इसका वजन 96 किलोग्राम तक होता है, और अगर बात करें इनकी तेजी की तो ये 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। नंबर 5, वाइल्ड बीस्ट। दोस्तों, वाइल्ड बीस्ट एक ऐसे जानवर हैं जो कि कनकाइड्स और एंटीलोप परिवार से संबंध रखते हैं, यानी ये उन प्रजातियों से संबंध रखते हैं जिसमें हिरन जैसे जानवर शामिल हैं। ये बड़े जानवर भी तेजी से दौड़ने में सक्षम होते हैं। ये वाइल्ड बीस्ट पहले से ही एक विशाल कद के साथ स्थापित हैं। इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिसके सींग काफी डरावने होते हैं। अगर बात करें इनकी लंबाई की तो ये 2 मीटर लंबे और इनका वजन 130 किलोग्राम तक होता है। ये वाइल्ड बीस्ट कई सुरक्षा से लैस होते हैं और ये अफ्रीका के मूल निवासी हैं। ये अपने जीवन के लिए कई जगहों पर प्रवास करते हैं, जिस दौरान ये मारे जाते हैं, खासकर तब जब ये एक विशाल नदी को पार कर रहे होते हैं। अगर बात करें इनकी तेजी की तो ये 64 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं, जिसके कारण ये अपने शिकारियों को भी धूल चटा सकते हैं और कभी कभी ये उनसे अपनी जान भी बचा लेते हैं। नंबर 4, प्रॉगहॉर्न। दोस्तों, ये जीव भी हिरण की प्रजाति है जो कि वनस्पति, कैक्टिफॉप्स और झाड़ियों पर निर्भर रहती है। हालांकि कई बार इस हिरण को गोल्डन एंटीलॉप भी कहा जाता है, जो कि सही नहीं है। आपको बता दूं कि ये हिरण भी उन जानवरों में से है जो कि दुनिया में सबसे तेज दौड़ने के लिए जाने जाते हैं। ये हिरण 1 लाख से भी अधिक वर्षों से उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी है। अगर बात करें इनकी खूबसूरती की तो इसका शरीर लाल भूरे रंग का होता है और इसके पास 2 बड़े घुमावदार सींग होते हैं जो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। अगर बात करें इनकी लंबाई की तो ये 100 सेंटीमीटर और इनका वजन 65 किलोग्राम तक होता है, और अगर बात करें इनकी तेजी की तो ये हिरण 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं।
आपको बता दूं कि ये अपनी असाधारण तेजी से अपने शिकारियों को भी थका देते हैं। ये इतने तेज होते हैं कि आमतौर पर ये कई किलोमीटर तक तेजी से दौड़ सकते हैं, वो भी बिना थके हुए, जिसके कारण ये दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाले जानवरों की लिस्ट में रखे गए हैं। नंबर 3, स्प्रिंग बक। दोस्तों, ये हिरण दक्षिण अफ्रीका का मूल निवासी है, जो कि दुनिया के सबसे तेज जानवरों की लिस्ट में शामिल है। ये छोटे आकार का हिरण दक्षिण और पश्चिम अफ्रीका में पाया जाता है। इसका वजन 30 से 48 किलोग्राम के बीच होता है और इसकी लंबाई 70 से 90 सेंटीमीटर के बीच होती है। ये हिरण घास के मैदानों और सूखी नदियों के किनारे रहना पसंद करते हैं, ताकि ये खुद को शिकारियों की नज़रों से बचा सके, और इसीलिए ये लंबी घास वाले मैदानों की ओर नहीं जाते। अगर बात करें इनके आहार की, तो ये घास और झाड़ियों को खाकर अपना जीवन बिता देते हैं। और अगर बात करें इनकी तेजी की, तो ये हिरण 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं, जिसके कारण ये चीते जैसे खतरनाक शिकारी को भी पीछे छोड़ देते हैं। इस हिरण के पास दुबला शरीर और लंबे पैर हैं, जिसके कारण ये तेजी से दौड़ने और छलांग लगाने में माहिर होते हैं। आपको बता दूं कि इस हिरण की तेजी से ज्यादा इसका छलांग काफी शानदार होता है, जो देखने में काफी मजेदार लगता है। नंबर 2, क्वार्टर हॉर्स। दोस्तों, इस घोड़े को इसका नाम इसकी क्षमता के कारण दिया गया है, क्योंकि यह घोड़ा दूसरे तेज घोड़े की तुलना में उनकी 1/4 किलोमीटर या उससे तेज दौड़ सकता है। ये घोड़ा जंगली नहीं होता और इन्हें पाला जाता है। अगर बात करें इसकी लागत की, तो इसकी कीमत $3,500 होती है। आपको बता दूं कि इस घोड़े को पूरी तरह से प्रदर्शन के लिए पाला जाता है, और इसके पास मजबूत गर्दन, गहरी छाती, मजबूत कंधे और मजबूत पैर होते हैं, जो इन्हें तेज रफ्तार से दौड़ने में मदद करते हैं। इसके अलावा इसके पास चौड़ी आँखें और नुकीले कान होते हैं, जो इसे शानदार दृश्य और सुनने में मदद करते हैं। अगर बात करें इसकी तेजी की, तो ये घोड़ा 86 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इस घोड़े को दुनिया के सबसे तेज जानवरों में से एक माना जाता है। नंबर 1, ब्लैक बक। दोस्तों, काले हिरण को भारतीय मृग के रूप में भी जाना जाता है। ये काला हिरण भारत, नेपाल और पाकिस्तान में पाया जाता है। इसकी लंबाई 1.2 मीटर और इसका वजन 36 किलोग्राम तक होता है। इस हिरण के पास लंबे मजबूत पैर होते हैं, जिसके कारण ये 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं, जिसके कारण ये भारत में सबसे तेज दौड़ने वाला जंगली जानवर बन चुका है। ये काला हिरण एकमात्र ऐसा हिरण है जिन्हें शिकार और शिकारियों से बचाने की जरूरत होती है। आपको बता दूं कि इस काले हिरण की प्रजाति सन 2000 के दशक में विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई थी, और इसका सबसे बड़ा कारण इसका अत्यधिक शिकार था, क्योंकि इनके सींग बहुत ही खूबसूरत होते हैं, जिन्हें शिकारियों द्वारा बहुत पसंद किया जाता था, और इसीलिए इन्हें विलुप्त होने से बचाने के लिए इनके शिकार पर रोक और इनके जंगलों को सुरक्षित कर दिया गया, जिसके कारण हाल के कुछ वर्षों में इनकी संख्या में बढ़ोतरी हो गई है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियोस या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।